मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ? मेरी रिकॉर्डिंग में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग रिकॉर्डिंग ले रहे तो अब ठीक है, हो जाता है। मतलब किसी के ऊपर भी चढ़ने का पावर में हो तो क्या चला तो हाथ लगाया। हाँ तो क्या बोले, रिकॉर्डिंग क्यों ले रहे हैं बोले तो? नहीं शेख जी से कोई चीज़ का पूछे कि भाई आपके पास में राइटिंग में कुछ है, नहीं तो हम कमिश्नर से बात करा देते, कमिश्नर का नाम ले लेते। एक कॉन्स्टेबल आके खड़ा था जिसको 100 पे फोन करके बुलाए थे, उसको भी डरा रहे कि मैं कमिश्नर को बुलाऊं। रही शेख के जो इच्छा आते हैं वो यहाँ आके दादागिरी करते हैं, हम ये करते हैं, रही शेख के आदमी है तो इस दादागिरी करते। गाड़ी के ऊपर 3-3 हवलदार के फाइन है, वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है, फाइन हमारे ऊपर बरसा चला जाएगा। हर कोई दादागिरी करता है, छोटे छोटे झगड़े होते हैं और नागपुरा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ इकबाल जुबेर और इस वक्त हम खड़े हैं क्लियर रोड पे। ये मेरे पीछे है क्राइस्ट चर्च, यहाँ चर्च के अंदर काफी पार्किंग वगैरह आप देख सकते हैं, उधर दिखा दो पार्किंग, जो स्कूल के जो बस या गाड़ी पिकअप ड्रॉप रहता है उसको इधर पे काफी जगह है, काफी स्पेस है अंदर। उसके बावजूद यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो क्लियर रोड पे टेनेंट है, उनका कहना है रेसिडेंट्स लोगों का कि उनको पार्किंग यहाँ पे कैप्चर की जा रही है कॉरपोरेटर के द्वारा, बीएमसी के द्वारा। तो आइए जानते हैं क्या मुद्दा है और इस बात को उजागर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान सुपारी वाला साहब, जिन्होंने हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया। तो आइए जानते हैं यहाँ पे मुद्दा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इमरान भाई, ये जो आप जो सेफ पार्किंग या सेफ स्कूल जोन वगैरह ये बोर्ड लगे हुए, होर्डिंग्स लगे, रीजन क्या है, क्या मतलब है? यहाँ प्राइवेट स्कूल के लिए सेफ पार्किंग जोन बनाया जा रहा है, जबकि दोनों तरफ स्कूल के अंदर काफी जगह है। अगर यहाँ बाहर सेफ स्कूल जोन बाहर बना जाएगा तो हमारे रेसिडेंसी पार्किंग कहाँ जाएगी? ऑलरेडी ऑड एंड इवन हो चुका है, ऑड एंड इवन में एक दिन इधर गाड़ी खड़ी रहती है, एक दिन इधर गाड़ी खड़ी रहती है, ऑलरेडी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ फुटपाथ पे खड़ी रहती है। अब इधर और अगर चेंजेस आएगी पार्किंग के वास्ते तो पब्लिक की पार्किंग कहाँ जाएगी कहाँ पर? ये सर जो आपने ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ उठाया इसके बारे में? मैंने जब इधर ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहा था, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, तभी कंप्लेंट भी डाला हूँ, हमारे कॉर्पोरेटर साहब से मैंने बात भी किया हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं बनेगा जब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था तभी। और लेकिन अभी वापस मैं जब संडे के दिन आया, मैं बाहर चला गया था तो देखा तो होर्डिंग लगी हुई और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। कॉर्पोरेटर यहाँ के रईस शेख साहब है जो समाजवादी से है, और पायलट टाइमिंग जो बोलते हैं एक बीएमसी का टाइमिंग रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे फुटपाथ वगैरह पे करते हैं तो 3 का उसको टाइम रहता है, 3 में अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उस प्रोजेक्ट को वहीं कैंसिल कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है या तो फिर कंटिन्यू किया जाता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग के रेसिडेंट्स हैं जिनको मेन इश्यू है इस सेफ जोन को लेके, उनसे मालूम करते हैं कि उनको किस बात की किस तरह की तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सेफ जोन का इधर पे बोर्ड लगा, इशू क्या है इसका आपको? पार्किंग, मतलब किस तरह से आपको पार्किंग इधर बिल्डिंग में अवेलेबल है नहीं है? बिल्कुल नहीं है पार्किंग अवेलेबल, हमें तो पार्किंग चाहिए ना, कहाँ जाएंगे हम लेकर के? ये सेफ जोन लग गया है तो आप गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करते? हम गाड़ी, हमारे पर फाइन कितना पड़ रहा है देखिए, भरते भरते हालत खराब हो गई हमारी। फाइन पड़ रहा है सर, 9,000 रुपया फाइन पड़ रहा है, 2,000 से 10,000 तक का फाइन पड़ रहा है आपको। निकल रही है यहाँ से जितनी गाड़ियाँ, इन लोगों को टारगेट दिया हुआ है, टारगेट पूरा करना है, वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए हमारी गाड़ियों की फोटो खींच रहे, हर हवलदार जितना भी निकल रहा है वो फोटो खींच के जा रहा है, एक एक गाड़ी के ऊपर 3-3 हवलदार के फाइन है, वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है, फाइन हमारे पर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आपने इसके लिए आरटीओ या पुलिस चौकी में कोई लेटर वगैरह दिया? सब कुछ दिया हुआ है मगर वहाँ से कोई जवाब हमको मिल नहीं रहा, कि ना लिखत में वो लोग दे रहे हैं कि हाँ भाई पार्किंग ऑड और इवन किया हुआ है तो उसका कोई ऑर्डर है, कुछ लिखत होगा, कुछ पास होगा, कोई चीज तरीका होगा, कुछ भी नहीं है। हमारे व्यूअर्स को पहले बता दें, ऑड इवन ये क्लियर रोड है, सामने एक कॉन्वेंट स्कूल है और इधर क्राइस्ट चर्च है, उस तरफ में एक दिन अगर गाड़ी खड़े होती है तो उसके सेकेंड डे इस साइड में रोड के ऊपर गाड़ी को पार्किंग करने का परमिशन दिया गया है बीएमसी के द्वारा, और इस सेफ जोन को बनाने के बाद में ये पार्किंग भी नहीं खड़े कर सकते क्योंकि सेफ जोन स्कूल की जो बस या गाड़ी या जो भी वैन वगैरह आती है पिकअप एंड ड्रॉप स्पॉट बनाया गया है, जिसके वजह से इधर पे गाड़ियां खड़ी नहीं की जा सकती है। और ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग के नीचे कोई यहाँ पे जो रेसिडेंस है इनकी कोई पुरानी स्ट्रक्चर है, सब 50-100 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसके नीचे कोई पार्किंग वगैरह है नहीं, सब शॉप्स है, इसलिए ये लोग फुटपाथ के ऊपर अपनी शॉप्स के सामने फुटपाथ के ऊपर हाफ एरिया में पार्किंग करते हैं और हाफ एरिया पब्लिक के लिए जाने के लिए रहता है। अगर ये लोग अपने बिल्डिंग के नीचे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे
तो गाड़ी किधर खड़ी करेंगे, ये बीएमसी ने भी इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। और ये लोग जब यहाँ से जाते हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं रात में या दिन में, तो कोई भी आरटीओ वाला आता है ऑनलाइन उनके ऊपर फाइन फुटेज निकाल के उनके ऊपर ऑनलाइन फाइन कर देता है। तो सर ये जो आप लोग फाइन कितने दिन से भर, ये सर ये हम जो है जब से हुआ 2015 से, जब से हम जो ये फाइन भरते चले आ रहे हैं। मतलब ऑड इवन का जो बोर्ड वगैरह लगा है कंफ्यूजन है उसके वजह से, या उसकी वजह से भी कंफ्यूजन है। दूसरी बात, दुकान वाले लोग अपनी दुकान के आगे जो है हमारी गाड़ियां खड़ी नहीं करने देते। अगर हम खड़ी करके अपने घर पे खाना भी खाने गए तो ये हटा करके रोड पे कर देते हैं। जितनी गाड़ियां निकलती हैं उतना वो फाइन फोटो खींच करके ऑनलाइन चला जाता है। घर से नीचे उतरो पता चला आपका मैसेज आ गया, क्या तीन गाड़ी निकली है आपको 2-2 हजार के 6 हजार रुपए का फाइन हो गया। बैंक से डायरेक्ट इसमें पैसा कट रहा है। इमरान भाई, ये जो कॉर्पोरेटर यहाँ के रईस साहब, आपने इनसे बात की कुछ पेपर वगैरह, कुछ कंप्लेंट वगैरह? हमने कंप्लेंट की बीएमसी में करी है, आरटीओ में करी है, जॉइंट सीपी को करी है, पुलिस स्टेशन में करी है, सब जगह पे मैंने कंप्लेंट किया हो, लेकिन कहीं से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कैसा हो गया, जब ट्रायल मोड में पायलट मोड में मैंने कंप्लेंट डाल चुका था, इसको चालू कैसा कर दिया, इस प्रोजेक्ट को सेंक्शन कैसा कर दिया, तो इसके आगे क्या प्रोसीजर करेगा? इसके आगे कंप्लेंट डालूंगा वैसे, या तो फिर हमको कॉर्पोरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर अब बैठा हुआ है तो वो जवाब दे कि हम हमारी गाड़ियां लेके जाके कहाँ खड़ी करेंगे। तो इसके पास में, आपके पास में यहाँ कहीं पार्किंग वगैरह का कोई जगह? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ना हर कोई दादागिरी करता है, उठे छोटे ना झगड़े होते हैं और नागपुरा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। तो सर ये जो फाइन मारने वाले आते हैं, आपने कभी इन लोग से पूछा नहीं कि हम लोग गाड़ी किधर खड़ी करें या कोई स्पेस? काम नहीं है बोले, ये बोले तुम जाके ना बीएमसी से मालूम करो बोले। और स्कूल के अंदर इतनी बड़ी जगह है कराची के अंदर, वो अंदर एक भी गाड़ी अंदर पार्किंग करने नहीं दे, बच्चे स्कूल छुटते तो उनको ना गाड़ी अंदर बाहर खड़ा करो और पैदल लेकर आने दे। तो बल्कि अंदर जगह होने के बावजूद भी ना अंदर गाड़ी जाने नहीं देते लोग। तो स्कूल के अंदर इतनी जगह होने के बाद भी इसका यूज क्यों नहीं करे लोग? तो ये है असल मुद्दा, ऑड इवन पार्किंग के वजह से जो सेफ जोन बना दिया गया स्कूल का, पिकअप और ड्रॉप का, स्कूल के अंदर आप बाकायदा, हमने आपको दिखाया अंदर पार्किंग की पूरी जगह है, मैदान है, बस का अंदर जा सकती है, सब कुछ है, लेकिन हाँ एक यहाँ शादियां होती है तो बराबर है ना गाड़ियां अंदर चले, क्योंकि पैसा मिलता है ना इसके लिए, गाड़ियां बराबर पार्किंग होती है। और स्कूल के टाइम पे ना रोड पे गाड़ियां लगा दे, क्योंकि स्कूल के अंदर फीस कम मिलती है क्या? और शादियों के लिए हॉल बुक होता है 2-2, 3-3 लाख रुपए का, उसके अंदर सब पार्टी को ना गाड़ी अंदर लगाने के क्यों ऑर्डर देते तुम? उनको भी बाहर गाड़ी खड़ा करो। ठीक है सर, तो ये हम बताना चाहते हैं, मतलब इधर अंदर शादी, जो हमारे गोविंद साहब जो इस बिल्डिंग के रेसिडेंट्स भी है, इन्होंने कहा कि अंदर शादी होती है, बस पार्क होती है, कार पार्क होती है, सब कुछ पार्क होती है, पूरा फंक्शन अंदर होता है, उस वक्त गाड़ी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पिकअप और ड्रॉप के टाइम स्कूल और स्कूल वालों को इधर पे प्रॉब्लम होती है, और उसके वजह से इधर पे जो कॉर्पोरेटर साहब ने सेफ जोन बना दिए और प्रॉब्लम, मतलब पार्किंग के लिए इनको फाइन भरना पड़ रहा है। और कोई बोल रही रही शेख के जो स्टाफ आते हैं वो यहाँ आके दादागिरी करते हैं, हम ये करते हैं, हम रही शेख के आदमी है तो इस तरीके से दादागिरी करते हैं लोगों के साथ। किस किस्म की दादागिरी? मतलब धमकी देना है? धमकी दे रहे हैं क्या गाड़ी नहीं लगाने का या खड़े रहने देने का, इस तरीके की दादागिरी है। उठे छोटे चौकी पे फोन करिए ना, पब्लिक को हैरान करते हैं। आपने उनको पूछा नहीं कि अगर गाड़ी इधर नहीं लगाना है तो किधर लगा? कोई उनका जवाब नहीं है। हमने कहा कोई राइटिंग में है कुछ भी, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वैसा ही चलेगा, पार्किंग नहीं है। की तो ये अभी उद्घाटन था इसका, उस वक्त मैंने रईस शेख जी से बात किया, तो उस वक्त मैं जो रिकॉर्डिंग निकाल रहा था उनके पीए है वो रिकॉर्डिंग नहीं निकालने दे रहे थे। और जब अपने रईस शेख जी से कोई चीज़ का पूछे कि भाई आपके पास में राइटिंग में कुछ है नहीं, तो वो हम कमिश्नर से बात करा देते, कमिश्नर का नाम ले लेते। एक कॉन्स्टेबल आके खड़ा था जिसको 100 पे फोन करके बुलाए थे, उसको भी डरा रहे कि मैं कमिश्नर को बुलाऊं क्या। बोल रहे हो कमिश्नर से बात हो जाएगी, फाइन नहीं पड़ेगा, ये मुझे राइटिंग में देगा कोई? तो फिर अब जब कोई राइटिंग में नहीं देने तो कह रहे, तो काम तो राइटिंग में हो रहा है ना? काम तो राइटिंग में हो रहा है, काम तो राइटिंग में ही हो रहा है। क्यों कर रहे हो? उसका मोबाइल है, बंद कर। फोटो है ना, फोटो हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ना फोटो सर। मैं बोल रहा हूँ आप क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? जब मैं बोल रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग रिकॉर्डिंग ले रहे तो
हाँ भाई रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ तो क्यों आपका प्रॉब्लम हो रहा है? अब ठीक है, हो जाता है, मतलब किसी के ऊपर भी चढ़ने का पावर में हो तो क्या चला तो हाथ लगाया हाँ तो क्या बोले रिकॉर्डिंग क्यों ले रहे हैं बोले तो आप हो ना क्या कर रहे हैं वो देखो वो साहब ने नहीं देखा मतलब एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है यहाँ पे जनता के ऊपर, और जबकि अभी इलेक्शन भी नजदीक है और इलेक्शन में इन्हीं जनता के सामने वापस जाना है वोट लेने के लिए, तो देखते हैं ये एक तरह से मतलब पॉलिटिशियन अगर कोई जीत जाता है तो उसके अंदर एक पावर आ जाता है और ताकत आ जाती है, पुलिस डीएमसी सब उनके अंडर में आ जाती है, जबकि असल मालिक और असल जो पावर होता है वो जनता का ही होता है, जनता को ही वोट दे के जिताना होता है और उसका जवाब देना होता है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे रईस शेख से या उनके कोई पीए वगैरह से मिलके सवाल पूछने की कोशिश करेंगे और मालूम करेंगे कि ये असल मुद्दा उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ, ईशान खान के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।